स्पेशल और बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में है, तो अभिषेक एक्साइटमेंट में हम पहली बात तो ये बता देते हैं कि मैं हूँ आप सबकी प्रिया और मैं हूँ इनका राजा बाबू हाँ। जो कि अभी फिलहाल जो बहुत एक्साइटिंग मूड में है। गाइस आज तो आप सबने टाइटल और थंबनेल देख के थोड़ा बहुत कुछ पता कर ही लिया होगा कि आज के ब्लॉग पे क्या होने वाला है। फिर भी आज हम आप सबको इस ब्लॉग में डिटेल में समझा देंगे कि ये है हमारा स्पेशल डे का प्रिपरेशन का ब्लॉग और इसमें हम बताएंगे कि ये हमारे जो स्पेशल डे है इस पे हम क्या क्या मतलब प्रिपरेशन किया हुआ है, क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या करने वाला है, सब हाँ सब कुछ बताएंगे। तो चलो बिना देरी के वीडियो के अंदर चलो और देखो क्या क्या हमने प्रिपरेशन किया है। लेकिन इससे पहले जो लोग हम लोगों को पहली बार देख रहे हैं और जिन लोगों को लग रहा है कि हाँ ये दोनों थोड़ा बहुत अच्छा है, मतलब इतना सा भी देख ही लेता हूँ क्या क्या लोग ये लोग क्या क्या बकबक करते हैं और हमारे चैनल पे आ ही गए हो तो गाइस हमारे चैनल को कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि हम जब भी कोई नए नए ऐसे ब्लॉग्स डालें वो सबसे पहले आपके फोन में नोटिफिकेशन जा सके। तो गाइस चलो बिना देरी के वीडियो में चलो और देरी मत करो। गाइज आप सब यही सोच रहे होंगे कि ये स्पेशल डे मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं ये, तो हम आप सबको क्लियर कर देते हैं कि स्पेशल डे मतलब हम दोनों का एनिवर्सरी आ रहे हैं। देखो जी राधा बाबू एकदम रेड कलर गेंजी पहन के एकदम एप्पल की तरह लाल बन रहे हैं। चलो जी इनको लाल होने दो, हम तो आप सबको बता देते हैं पहले कि हमारा एनिवर्सरी आने वाला है जो कि 28 सितंबर को है और हम दोनों इसलिए बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हैं क्योंकि ये साल में तो एक बार आते हैं और हम दोनों पूरा साल इंतजार करते हैं इस दिन के इस दिन का ही उम्मीद करते हैं और हम दोनों ये दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मनाते भी हैं। तो इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा पर उस टाइम क्या होता था कि हम इतना कुछ सबसे शेयर नहीं कर पाते थे पर अभी तो ब्लॉग्स बना रहे हैं तो इसमें हम सब कुछ डिटेल में शेयर भी करेंगे कि हम मतलब क्या कर रहे हैं, क्या कुछ कहाँ पे जाने वाले हैं। हाँ जी जाने वाले हैं मतलब राजा जी हमको घूमने लेके जा रहे हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पी हूँ कि ये मुझे लास्ट में हम गए थे गोवा घूमने पर उसके बाद तो कोविड के वजह से हम कहीं भी जा नहीं पा रहे थे पर इस टाइम हमें ये बाहर घूमने लेके जा रहे हैं। पर इतने दिनों से प्रिपरेशन चल रहा था, खरीदा चल रहा था ये सब, पर राजा ने नहीं बोला था कि मुझे कहाँ पे लेके जा रहे हैं पर आज ही मुझे पता चला है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। पर हम ये बात आप सबको अभी नहीं बता सकते कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि इतने दिन तुम्हारे लिए ये सरप्राइज़ था, अभी मतलब हमारे फ्रेंड्स लोगों को भी थोड़ा सरप्राइज में रखते हैं। हाँ तो आप सबको हम अभी नहीं बताएंगे, ये आप सबको ब्लॉग में ही पता चलेगा कि हम कहाँ पे जा रहे हैं और क्या। पर ये तो हमारा डिटेल में ही रहेगा कि आज से ही ब्लॉग बनाना स्टार्ट मतलब एनिवर्सरी के लिए अभी मतलब कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एनिवर्सरी पे क्या क्या किए हैं, हाँ ए टू जेड आप सबको पता चल ही जाएगा। तो गाइज हम बहुत ज़्यादा हैप्पी है ये बोलना चाहते हैं और ये बोलना चाहेंगे आप सब हमारा हर ब्लॉग्स देखना और बताना कि हम दोनों कहाँ पे गए हैं, आप सबको कैसे लगे हैं वो जगह और जो प्रिपरेशन किए हैं ये सब आप सबको दिखा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सारी चीज़ आप सबको कैसे लगे हैं। आते चलो अभी दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। गाइस चलिए फटाफट आप लोगों को सब दिखा देते हैं कि हम दोनों ने क्या प्रिपरेशन किया है, कुछ खरीदे हैं इनके लिए और कुछ मेरे लिए भी, ठीक है। तो प्रिया क्या कर रही हो, कैमरा पकड़ो फटाफट, मैं अपना वाला पूरा दिखा दियो फिर तुम अपना किसका वाला, मेरा अपना वाला दिखा दो। हटो तुम सबसे पहले, मैं मेरा वाला दिखाऊंगी। अरे तुम्हारा टाइम ज्यादा लगता है, मैं नहीं, तुम हटो तुम्हारा टाइम ज्यादा लगता है। मेरा टाइम नहीं लगता है, तुम पूछो कौन किसका वाला सबसे पहले। अभी बोलो आप लोग मेरे वाला देखोगे ना, हाँ देखो बोल रहे की प्रिया जी का सबसे पहले, मेरा कोई तुम हटो बाबा, सबसे पहले मैं अपना वाला दिखाऊंगी, ठीक है दिखाओ। वाइफ
गाइस राजा बाबू जो है बैठ गए हैं मेरा हेल्प करके देंगे। अभी आप सबको एक एक करके दिखाएंगे हाँ क्या क्या शॉपिंग किए हैं। और आप सबको तो हमने इंट्रो वीडियो पे बताए थे कि हम छोटे से छोटे चीज़ भी आप सबको शेयर करेंगे, तो चलो अभी दिखाते हैं। ये देखो सबसे पहले तो ये देखो एक सेट खरीदे हैं, ठीक है अभी इसको खोल के दिखाते हैं। ये है एक दुपट्टा, ठीक है एक दुपट्टा है, ये वाला है, ये लॉन्ग है, लॉन्ग एक कुर्ती है। और इसके साथ है ये स्कर्ट, ये कलर का एक स्कर्ट, ये पूरा सेट होता है इसके साथ, ये तीन एक सेट है ये वाला, ठीक है। अभी दूसरा दिखाते हैं, ये वाला है रेड में, कुछ उस तरह से ही है। ये दुपट्टा है, दुपट्टा उसके साथ है ये रेड, ये भी लॉन्ग है, ये भी लॉन्ग है। और इसके साथ है ये स्कर्ट, स्कर्ट है इसके साथ, इसका पार्ट कुछ इस तरह से है और देख सकते हो ये वाला, ये तीनों एक सेट है इसके साथ पहनेंगे ये वाला और ये दुपट्टा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट दिखाते हैं, नेक्स्ट है ये पिंक, देखो पिंक के साथ ये स्कर्ट आएगा, लॉन्ग स्कर्ट, इसका नीचे कुछ इस तरह से है, इसका टॉप है ये लॉन्ग कुर्ती, ये देखो ये लॉन्ग है, ये दो एक सेट है, ये वाला एक सेट, ठीक है। अभी हम दिखाएंगे ये ग्रीन वाला सारे कलर दे दिए बाबू, अभी ये नहीं बोलेंगे कि हम सिर्फ ब्लैक पहनते। ये देखो ग्रीन और ऑरेंज में है, ये लॉन्ग है, ये लॉन्ग ड्रेस है, पूरा एकदम नीचे तक आएगा लॉन्ग। अभी हम दिखाएंगे कि एनिवर्सरी पे हम पहनने वाले हैं ये साड़ी, अरे ये देखो ये साड़ी, ये हम दिखाते हैं, ये देखो ये साड़ी है और इसके साथ है ये टॉप, ये देखो ये वाला, अभी से मैं ऐसे लग रही हूँ कि अभी से ही पहनी हूँ, देखो ठीक है ये वाला पहनने वाली हूँ। ये साड़ी एनिवर्सरी के दिन पहनेंगे, हाँ याद से, हाँ याद से क्या बोलूँ, याद से पहन, याद से विश करना, याद से विश करना, हाँ हाँ साड़ी वाली पहन के आएंगे, हाँ ठीक है। हाँ तो ये साड़ी मुझे बहुत ही पसंद आया है और कलर भी बहुत ही सुंदर है,
तो देखते हैं अभी पहनने के बाद। चलो ये हो गया। अभी है ये एक ड्रेस है, ये देखो ये कुछ इस तरह से है ये वाला, और ऐसे आएंगे ये ऊपर तक। और ये देखो बहुत ही सुंदर है ये वाला, एक ड्रेस है ठीक है पूरा। और इसके साथ ये वाला है ऊपर टॉप, इसके साथ है रेड के साथ है, ये दोनों एक साथ है। ये ऊपर पहनते हैं, ना पहनने पे भी चलेगा, देखते हैं दो मिलाते। अभी नेक्स्ट है एक टॉप है, ये एक ही ब्लैक दिए है, ये देखो ब्लैक इसका, ये देखो ऐसा है, अभी पहनने से पता चलेगा ये वाला है। इसके साथ है ये एक ड्रेस है ब्लू कलर का, ये देखो ये कुछ इस तरह से है। ये भी लॉन्ग ही है, ये भी लॉन्ग ही है, पूरा एकदम लॉन्ग है ये वाला, पूरा लॉन्ग है। अभी है ये नाइटी है, नाइटी है हम खोल के दिखा दें, ये पूरा लॉन्ग है नाइटी, ये ना ऐसे पहनते हैं, ऐसे ऐसे करके पहनते, ये नाइटी है पूरा लॉन्ग है, नीचे तक आएगा ये। एक है और एक ये है, सेम ही है, कलर अलग है और डिजाइन अलग है। तो ये है एक है नाइटी, ऐसे कहेंगे नीचे तक आएगा ये पूरा लॉन्ग। अच्छा अभी ये वाला है एक है पुलोवर टाइप का है ये, ये एक्चुअली ये बाबू का भी है, मतलब सेम ही है कपल टॉप जिसको बोलते हैं। तो ये पहली बार हम पहनेंगे सेम सेम, तो यही वाला बाबू का भी है और मेरा भी है, तो देखेंगे दोनों पहन के सेम सेम टॉप कैसे लगते हैं। तो ये और मेरा बाबू का सेम सेम है। और खरीदे हैं देखो, अभी हम दिखाते हैं कुछ मतलब ज्वेलरी वगैरह। ये है चूड़िया, ये कलर है, ये पिंक शेड में है और ये येलो वाला। अभी ये है गोल्डन और सिल्वर में और ये रेड में है, देख सकते हो। ये एक सेट है, मतलब हम साड़ी के साथ पहनेंगे ये वाला, देख सकते हैं। देखो बहुत ही प्यारा है ना, देखो ये वाला। अच्छा अभी ये एक इयररिंग है, देख सकते हो इयररिंग। ये एक इयररिंग है, और एक है इयररिंग, ये एक है देखो, ये एक है ऐसा इस टाइप का,
कुछ क्लिप्स हैं जैसे साइड क्लिप्स ऐसे करके पहन के दिखाते हैं को पहने हैं तो हम पहनेंगे ये वाला ये कलर है ये कलर है और ये ब्लू में है तीन तीन ये छोटा सा टाई है नहीं ये टाई नहीं है ये हमें ऐसे बांधते हैं तो हमने ये वाला भी ले लिया अभी हम लिए हैं लैक्मे का ये लिपस्टिक देख सकते हो लिपस्टिक हाँ एक है मैं ये वाला पहनती हूँ ज़्यादा तो ये वाला एक लिए हैं और एक लिए हैं ठीक है ये ब्लू है वेन का है हाँ तो हम कलर दिखा देते हैं ये रेड में है हाँ रेड साड़ी दिए हैं बाबू तो रेड लगाने के लिए भूले एकदम रेड होके रेडी हो जाना उस दिन ठीक है हाँ तो ये मतलब रेड वाला ठीक है ये रेड वो है एक और ये वाला है पिंक रेड कार्पेट पे चलेंगे दोनों उस दिन ये पिंक में है ये कलर हमको बहुत पसंद आता है तो ये वाला पिंक और ये तो बहुत सुंदर कलर है ये रेड दिखता है पर रेड नहीं है लगाने के बाद एकदम पिंक शेड में आ जाते हैं तो ये वाला है अब ये है एक सैंडल खरीदे हैं ये भी दिखा देते हैं ये देखो ये ब्लैक में लिए है तो ये वाला और क्या दिखा है और क्या है मेरे तुम्हारा और सब बैग है अरे बैग तो मैं दिखाने वाला था तुम पहले दिखा दिया अच्छा ठीक है दिखा दो इसका नहीं मेरा कपड़ा जाएगा ना इसका अंदर तो तुम्हारा ही हो हाँ तो ये ट्रॉली वाला है ये बाबू इसको कैरी करेगा और इसके अंदर हम सारा कपड़ा भर के लेके जाएंगे ठीक है घूमने के लिए सब ना भरेंगे अब देखो कितना बैग लगता है हाँ ठीक है हाँ तो ये वाला और एक है ठीक है अभी मेरा वाला सब कुछ दिखाना हो गए है आप सब बताना आपको मतलब कौन सा ड्रेस कैसा लगे है अभी राजा बाबू का भी देख लीजिए नहीं तो सब बोलेंगे कि प्रिया का देख लिए राजा बाबू का नहीं देखे ये गुस्सा हो जाएंगे तो जाओ जी हमारे राजा बाबू की चीज़ भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो चलो आओ देखो पहले थोड़ा पानी पीकर रहते हैं तो फ्रेंड्स ये देखो आप लोग मेरा फैशन का खजाना जो है आ गया अभी मेरे हाथ में है अरे बापरे बहुत भारी है जो भी हो हाँ अभी मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाऊंगा ध्यान से देखना हाँ मेरा फैशन देखना सिजरा स्टाइल देखना मेरा ठीक है क्या अभी तुम जो हो एकदम चुपचाप बैकग्राउंड में बैठी रहो बहुत मुश्किल से मौका मिला है मुझे कुछ दिखाने का कुछ ठीक है शुरू करते फिर ये हो गया मेरा कार्गो पैंट ठीक है ये है कलर ऐसा लगेगा देखिए कैसा लगेगा अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से देखते हैं ठीक है ये है पैंट इसका जो है नीचे में ऐसे थोड़ा ये स्टाइल मार के रखा है ये हो गया पैंट खत्म पीछे वाला में तो एकदम ये करके रखा है दो पॉकेट रखा है मनी बैग रखने के लिए हाँ एक में तुम्हारा मनी बैग घुस जाएगा एक में मेरा मनी बैग घुस जाएगा हाँ और ये ठीक है हाँ चलो नेक्स्ट जो है ये एक टी शर्ट है ऐसा एक टी शर्ट और एक है और एक भी टी शर्ट ही है इसका दिखाते हैं ऐसा वाला एकदम आर्मी मैन टाइगर श्रॉफ लगूंगा कि नहीं पहन के टाइगर श्रॉफ भी हो है ये ठीक है तुमने कह दिया टाइगर श्रॉफ और क्या चाहिए मुझे और ये मैडम की रेड ड्रेस के साथ मैच करके हमने भी एक थोड़ा रेड शर्ट देख रहा है दोनों लैला और मजनू जो है सजेंगे उस दिन ठीक है
तुम बन जाना लेला, मैं बन जाऊंगा तेरा। खोल के दिखाओ। हाँ खोल खोल के दिखाएंगे आज, नहीं खोल के दिखाएंगे। हाँ, क्या दिखाना है देखो क्या देगा। इसके हाथ में डिजाइन है दिखाओ। हाँ हाथ में डिजाइन मतलब ये वाला ऐसा है। हाँ। ऐसे फोल्ड करके बॉडी बॉडी में, बॉडी तो है ही नहीं, जो भी हो निकाल के ऐसे फोल्ड करके पहनेंगे हम उसे। ये भी रेड पहनेगी और मैं भी रेड पहनूंगा उसे। हाँ दोनों मैच करेंगे एकदम। के रेड शर्ट क्या, ये रेड साड़ी के शर्ट और ये है एक पुलोवर। हाँ ये दो कलर का है। ये पहन के यो हनी सिंह करेंगे हम, ऐसे कैप ऐसे ले लेंगे ठीक है। हाँ यो हनी सिंह करेंगे। ये है इसका कलर। ये सब हाल कुछ तो दिखाना का कुछ नहीं है, जैसे हाथ जैसे होता है वैसे ही है। तुम्हारा जैसे हाथ में कितना डिजाइन है। हाँ तुम्हारा ड्रेस में, मेरा देखो पूरा एकदम प्लेन है जो भी हो। हाँ ये ठीक है। हाँ ये सब। और ये है प्रिया ने दिखाया था आप लोगों को कपल टॉप जो हम लोग फर्स्ट टाइम पहनने वाले हैं। हाँ। पहले कभी एक ही कपड़ा जो ऐसे पहनते थे पहले एकदम सेम सेम नहीं। हाँ एकदम नहीं सेम नहीं, कलर सेम होता है लेकिन पूरा सेम नहीं होता है। आज 12 साल हो गया है शादी में, अब क्या और एक ही मतलब एक ही आत्मा हो गया है, दो शरीर है बस। इसीलिए इस बार तय किया है हम लोग भी कपल टॉप पहनेंगे। हाँ ठीक है। ये मेरा कपल टॉप है, ये भी थोड़ा ऐसे पुलोवर टाइप का है पहनेंगे। दो एकदम यो करेंगे बस, जहाँ भी जाएंगे वहाँ जाके करेंगे ठीक है। और ये है बहुत ही मेरे लिए ख़ास है, क्योंकि इसको मैं जो हूँ फर्स्ट टाइम पहनने वाला हूँ। इसको बोलता है पठानी कुर्ता। ये मेरा एक भाई है, मेरा एक फ्रेंड है, भाई है, उसने बोला था कि भाई तुम जो हो एकदम पठानी कुर्ता तो पहन सकते हो, कुर्ता उर्ता तो कुछ पहनते नहीं हो, सिर्फ टी शर्ट पहनते हो, शर्ट पहनते हो, एक बार कुर्ता पहन कर देखो अच्छा लगेगा तुम्हें। तो उसकी सुझाव से मैंने ये कुर्ता लिया है ठीक है। मुझे लगा ठीक है एनिवर्सरी आ रहा है, थोड़ा स्टाइल मार के देखते हैं फर्स्ट टाइम कैसा लगता है ये सब। हाँ देखते हैं सलूम या लगेंगे कि नहीं लगेंगे नहीं मालूम, लेकिन नीचे वाला दिखाओ, नीचे का पार्ट दिखाओ, ये इतना लंबा है मेरा हाथ चाहिए नहीं जाना। हाँ ये वाला नीचे का पार्ट करके ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे सलूम या ऐसे ऐसे करेंगे। और ये है अंदर का, और इसमें है कान में भी डिजाइन है। अब मेरे को ये वाला बहुत अच्छा लगा। हाँ ये वाला रेड शर्ट तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि साड़ी के साथ पहनेंगे। अभी देखते हैं ये वाला पहनेंगे, ये तो मेरा पता नहीं कैसा लगेगा। मैंने बस उसने कहा मुझे ये पठानी कुर्ता बहुत पसंद आया, दिखने में तो अच्छा। और राघव ट्राई किए थे, मतलब घर में आके पहन के देखे थे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहे थे। मेरा कॉन्फिडेंस भी एकदम बढ़ गया है। हाँ अभी से मेरा एकदम ये पहन उसमें ये रात को पहनूंगा। क्या नहीं कुछ नहीं आती है, दिन में घूमेंगे रात में पहन, रात को पहनकर सो जाऊंगा। इसलिए तुमको कुछ बताने का मन ही नहीं करता है मेरे को। मैंने तुम्हारा जब सीजन चल रहा था मैंने कुछ ठीक है हो गया। अभी दिखाओ ये है एकदम ग्रीन शर्ट। हाँ एकदम ये भी मेरा ग्रीन और ऑरेंज की तरह मैच है। हाँ तुम्हारे साथ मैच होगा, जो भी खरीदता हूँ तुम्हारे साथ मैच होगा। कहीं ना कहीं से कलर जो है तुम मतलब एकदम एडजस्ट कर ही लेते हो। हाँ। अकेले छोड़ते नहीं है मुझे, नहीं छोड़ेंगे नहीं अभी कैसे छोड़ना। हाँ ये पूरा जिंदगी साथ है ठीक है। ये एक ये भी कुर्ता है, शर्ट है मतलब शॉर्ट कुर्ता है ठीक है। ऐसा होगा। नेक्स्ट जो है एक पैंट है, ये भी ऐसा पैंट है, ये भी कार्गो स्टाइल का ही है, पॉकेट है इसमें, इसमें पॉकेट है, रुमाल रुमाल रख लेंगे भैया का। हाँ पीछे में पॉकेट है। ये कलर कभी पहना नहीं मैं, इसीलिए इसको ट्राई करेंगे इस बार। इसके नीचे का अच्छा लगता है ना देखने में, ये वाला अच्छा नीचे जो एडजस्ट हो जाता है, जैसा भी पैर का जो लेग्स का साइज है कोई फर्क नहीं पड़ता है, एडजस्ट हो जाता है। हाँ वो भी पहनोगा एडजस्ट हो जाता है ठीक है।
और लास्ट में मेरा तो ज्यादा है नहीं, खत्म ही हो गया। क्या तुम्हारा तो 3 पैंट, कितना सारा टॉप है। हाँ लेकिन तुम्हारा ज्यादा लंबा चला था, मेरा तो खत्म ही हो गया। जो भी हो, ये मेरा एक जींस है। हाँ ये जींस है, ये प्रिया का पसंद का है। हाँ बहुत ही प्यारा जींस है। हाँ, इसको ऐसे ऐसे हाथ घुसा के एकदम ऐसे 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 करके डांस करेंगे हम लोग, वीडियो बनाएंगे, रील्स बनाएंगे। कौन कैमरा पकड़ के देगा? हाँ पकड़ के देना, मैं डांस करूंगा ऐसे 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 करके ऐसे कैसे करके। हाँ ये है, और इसके पीछे में भी ये पॉकेट है। हाँ मैं पॉकेट ज़्यादा देते हैं, रखेंगे क्या है? हाँ ये ऐसा है, और ये प्लेन है, प्लेन ही है, प्लेन है। हाँ ये जींस है, ये डिजाइन बहुत सुंदर है। हाँ, स्पेशल है, स्टिच है, स्टिचिंग का डिजाइन है। ये बहुत प्यारा डिजाइन है स्टिचिंग का। देखो 3 लाइन करते है, नॉर्मली 2 लाइन करके रहते हैं, ये 3 लाइन करते हैं। ये मेरे को अच्छा लगा, इसलिए तो उठा के लाए तुम, एकदम देखते ही तुमको एकदम हाथ में आ गया तुम्हारा। अरे आओ इधर। ठीक है, खत्म, बस खत्म, और कुछ नहीं मेरा, यही है, और खास कुछ नहीं, बस यही था मेरा। ठीक है, अभी आप लोग ध्यान से शायद देखे होंगे, पता नहीं देखे या नहीं देखे, आप जाकर देख के ही एकदम भूल गए मेरा भी, ऐसा नहीं करना, मेरा भी सब ध्यान से देखना। हाँ, और क्या, हाँ जरूर, तुम ना तो पूरा, तुम तो अभी पूरा दिन देखोगे, पूरा रात देखोगे, मुझे देखोगे। मैं अपने फ्रेंड्स लोगों को बोल रही हूँ, ध्यान से देखना मेरा कपड़ा, और कमेंट्स करना जब मैं पहनूंगा ना, तब ब्लॉग में बोलना, या कोई भी इंस्टाग्राम में अगर रील्स करता हूँ तो बोलना कि हाँ ये कपड़ा अच्छा लग रहा है, इसमें अच्छा लग रहा है, इसमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ बुरा मत बोलना, सब अच्छा बोलना, ठीक है। आप सबको तो दिखाई दिए हैं कि जो जो दिखाना था वो सब कुछ दिखाई दिए हैं। अभी बस मुझे उस पल का इंतज़ार है कि कब हम घर से निकले दोनों, और बस मैं सारा पल राजाओं के साथ बिताऊँ। हाँ बस इसी पल का इंतज़ार है। अभी तो इसी ब्लॉग से स्टार्ट हो गए, और नेक्स्ट ब्लॉग पे हम बस निकल रहे ही देखने को मिलेगा आप सबको। और हम यही बोलना चाहेंगे कि मतलब देखो, देखते देखते हम दोनों का 12 साल गुजर गए हैं। मतलब क्या बोलूँ इस बारे में, जितना भी बोलूँ उतना कम है। कैसे कैसे साल गुजर गया, कैसे कैसे समय बीत गया, मालूम ही नहीं, मतलब पता चला नहीं। कितनी छोटी थी तुम तब, बोलो, ऐसे मतलब 2 साइड से पॉनीटेल करके ऐसे करके आती थी, मुझसे मिली थी। हाँ तो देखते देखते अभी उसका छोटा छोटा बाल भी इतना बड़ा बड़ा बाल हो गया है जो तो हाँ मैं 2 साइड पे ऐसे मतलब क्या बोलती हूँ, पॉनीटेल करके ऐसे, हाँ के जो होता ना एक सीरियल आता है, सीरियल नहीं वो एक कार्टून है, भीम, भीम छोटा भीम का। हाँ, वहाँ पे जो चुटकी होता है ना, जैसे करके आते हैं चुटकी, एकदम एकदम उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो इमेज है। तो ये भी बचपन में, मस्त मतलब तब तो बहुत छोटी थी वो, तो ऐसे ही आती थी। और बस आप सब हमें मतलब विश कर देना उस दिन, पता नहीं हम मतलब ब्लॉग्स बनाएंगे तो अपलोड कर पाएंगे कि या नहीं पाएंगे, कोई नहीं, क्योंकि बाहर में रहेंगे। हाँ पूरा लेट हो सकता है, तो कोई भी ब्लॉग्स में, कोई भी हाँ रील्स में या फिर कहीं भी कुछ ना कुछ तो हम छोड़ेंगे, आशीर्वाद कर देना। हाँ थोड़ा आशीर्वाद कर देना हम दोनों को कि हम दोनों ऐसे ही हैप्पी और साथ रह सके, ऐसे ही कोई तकलीफ ना हो हम दोनों को, थोड़ा ऐसा उश कर देना। और क्या बोले, और चलो, और जाने से आने तक सारा ब्लॉग्स देखो और साथ बने रहो। हाँ साथ बने रहो, क्योंकि हम लोग तो ये इतने साल बाद ये पहली बार होगा कि हाँ ब्लॉग से, हाँ किसी को बोल रहे कि हाँ हम लोग कहीं जा रहे हैं, या रहे या जो भी छोटी छोटी बात है वो सब। हाँ, पहले तो हम रील्स या फोटो में ही मतलब ये प्लेटफॉर्म में हम लोग नहीं थे, अभी जब आ ही गया है तो पूरा आप लोगों, हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को बोल पाए, और शायद आप लोगों को भी अच्छा लगेगा देख के।
हाँ अभी तो मैं पैकिंग से ही दिखाना शुरू कर दूंगी ब्लॉग और कैसे हाँ, जा रहे देखना, हैं। कितना अपना कपड़ा जो है कितना बैग्स में लेती है। मेरा तो इतना छोटा सा एक तो थोड़ा बैग देगी और वो गया तुम तो अपना इतना दिन कपड़ा के लिए जा रहे हैं तो कपड़ा तो लेना ही पड़ेगा ना। तो पूरा बैग में तो तुम्हारा ही कपड़ा घुस जाएगा, मेरे लिए अरे बचेगा इनको क्या? छोड़ो, तो ये तो मेरे साथ लड़ते रहते हैं। हाँ इनका लड़ना मतलब प्यार ही समझो। हाँ लड़ते कम प्यार करते, बहुत प्यार करते हैं मेरे को। ठीक है तो जी हम अभी जो ब्लॉग से यहीं पे ख़त्म करते हैं ये वाला। आप लोगों को छोड़ के जाने का तो मन नहीं करते हैं, इसीलिए तो साथ लेके जाना चाहते हैं। चलो हमारे साथ घूमो, मज़े करो और बताओ कैसा था हमारा एनिवर्सरी। ठीक है तो ये ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सब अच्छे से रहो, सबके लिए मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार है और सबके लिए शुभ रात्रि, गुड बाय।